तक बल्गेरिया के प्रेसिडेंट हैं रुमेन रेडेव, इन्होंने बोला कि साहब ये जो हमारा एक 7 बल्गेरियन सिटीजन्स फंस रखे थे जिसको होस्टेज बना रखा था पायरेट्स ने, समुद्री लुटेरों ने, इसको रुइन शिप का नाम है RUEN रुइन, तो प्रेसिडेंट रुमेन रेडेव ने भारत को बहुत बहुत थैंक यू बोला है कि आपके बिना ये काम नहीं हो पाता, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी जारी बात है वजूहत है। मैं इस पर बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है। ये जो INS कोलकाता जो कमीशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायलट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रुइन जो जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे, जिस पे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। उसके बाद आप ये देख लें, मतलब कि जो भी है, जिस तरह से इंडियन मार्कोस, कुछ भी मसला हो जाए दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, आपको वहाँ पर इंडियन मार्कोस नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बजट पर इतना ज़्यादा हिस्सा लगा रहे हैं और लगा रहे हैं, तो फिर वो नज़र भी आता है कि यार उनकी जो नेवी है, उनकी जो आर्मी है, वो काम भी कर रही है। बरक्स देख लें, हम भी लगाते हैं, इतना ज़्यादा हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारा वो नज़र नहीं आता कि यार हमारी जो नेवी है वो कहाँ पर गई हुई है। देखिए पिछले दिनों भी हमने एक न्यूज़ सुनी है कि जी पाकिस्तान वाले इंडिया की मदद चाह रहे हैं, हमारे कुछ नमस्कार, भारतीय पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों आप वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इंडियन नेवी के बारे में बात कर रही है। आप जानते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन के अंदर जबरदस्त काम कर रही है। कल ही बुल्गेरियन जो सिटीजन थे उनको बचाया था इंडियन नेवी ने, सोमालियन जो पैरट्स थे लगभग 35 के आसपास उन्होंने उनको किडनैप कर लिया था बहुत दिनों तक, और उसको इंडियन नेवी ने बचाया था। अब जो ये काम है इंडियन नेवी का, जो प्रोटेक्शन वाला, जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके जो उभरा हुआ है इंडियन ओशन के अंदर, ये बहुत जबरदस्त है। ये इंडिया के जो सॉफ्ट पावर है इसको भी बढ़ा रहा है। अब इंडियन नेवी जो है वो अकेले पूरे इंडियन ओशन को संभाल रही है, अभी कभी US सिटीजन को बचाती है तो कभी किसी कंट्री के शिप को बचाती है, कभी हुदी रिबल्स अटैक करते हैं उनको बचाती है। तो ये जो काम है इंडियन नेवी का वो बहुत ऑसम है और इसका बहुत ज्यादा तारीफ हो रहा है वर्ल्ड वाइड। आप इस समय खबर देखेंगे, आप बस नेट पे सर्च कर लेंगे इंडियन नेवी के बारे में तो आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा, उनके वीडियोस मिल जाएंगे, उनके कंटेंट मिल जाएंगे जिसमें जो वर्ल्ड मीडिया है वो प्रेज कर रही है इंडियन नेवी को। तो ये सारी चीजें चलिए, इसके बारे में जो पाकिस्तानी मीडिया वो डिस्कस करिए और ये कंपेयर करिए कि जो पाकिस्तानी नेवी है वो क्या कर रही है। आप वीडियो देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, धन्यवाद। एक बात कहनी चाहिए थी जो आपने नहीं कही जी, और यही पाकिस्तान का मसला है, वो ये है कि इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9% जी, चलो 8.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 5 साल तक इंडिया। हमारी ग्रोथ 1% है। तो मुझे ये, आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9% है, चलो 9 को छोड़ो 7-8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है जो हम 8 और 9 नहीं कर सकते। आप बार बार कह रहे हैं कि आपका मुंह मैं क्यों खुलवाना चाहता हूं, आप मेरा मुंह भी मत खुलवाएं। वहां पे बल्गेरिया के प्रेसिडेंट है रुमेन रेडेव, इन्होंने बोला कि साहब ये जो हमारा एक 7 बल्गेरियन सिटीजन फंस रखे थे जिसको होस्टेज बना रखा था पायरेट्स ने, समुद्री लुटेरों ने, इसको रुइन शिप का नाम है RUEN रुइन, तो प्रेसिडेंट रुमेन रेडेव ने भारत को बहुत बहुत थैंक यू बोला है कि आपके बिना ये काम नहीं हो पाता, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। ये सब बल्गेरिया के प्रेसिडेंट ने बोला है और वहां पे ये कहते हैं, माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू PM नरेंद्र मोदी फॉर द ब्रेव एक्शन ऑफ इंडियन नेवी रेस्क्यूइंग द हाईजैक बल्गेरियन शिप रुइन एंड इट्स क्रू इंक्लूडिंग 7 बल्गेरियन सिटीजंस। और बल्गेरिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मारिया गैब्रियल ने भी धन्यवाद करा है इंडियन नेवी का, और जो गैब्रियल हैं वो ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर्स हैं, इन्होंने इंडियन नेवी को थैंक यू बोला फॉर सपोर्ट। इंडियन नेवी ने ये 40 घंटे का ऑपरेशन करा था और मॉल्टीज फ्लैग्ड बल्क कैरियर MV रुइन को सोमाली पायलट, जो सोमालिया के समुद्री लुटेरे हैं, उनसे बचाया था, जिसके रिस्पॉन्स में जब उन्होंने थैंक यू कई बार बोला है दोस्तों, तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, दोस्त होते किस लिए हैं। आप हमें थैंक यू बोल रहे हैं, आप हमें थैंक यू मत बोलिए, हमने आपको दोस्त बोला है, आपने हमें दोस्त बोला है, आखिर दोस्त होते किस लिए हैं, अगर दोस्त दोस्त की काम ना आए मुश्किल वक्त में तो वो दोस्त कैसा, तो व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, ये डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि दिस इज व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है, और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया, और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया, और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता जिसने इस ऑपरेशन को किया, और कहा जाता है कि एक P-81 मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया, और INS कोलकाता एंड INS सुभद्रा जो है, जो कि
ये और उनके साथ साथ अनमैन एरियल व्हीकल्स भी थे. सो इट मींस कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया दो शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी. और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था. और कहा जाता है कि इंडियन जो INS कोलकाता है उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी. और कहा जाता है कि प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए. एक बड़ी एक्सरसाइज है. देखें हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी जारी बात है वजूहत है. मैं इस पर बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है. ये जो INS कोलकाता जो कमीशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायलट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन. और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रूइन जो जिसको सोमाली पायलट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे. जो यमनी आइलैंड है सुकोत्रा उसके 380 नॉटिकल माइल्स में थी और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया. इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज किया और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रोविन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया. सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया. आप देखें ना बल्गारिया फॉर इंस्टेंस अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता. सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी. सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी. सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको साइन शुक्रिया अदा किया इंडिया का. देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया. जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया. बल्गारिया के प्रेजिडेंट ने ट्विटर पर इसका शुक्रिया अदा किया. सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे. और सुना है कि डॉक्टर जय शंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर. जिन लोगों को नहीं पता ये है सॉफ्ट पावर. के सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने एक शिप को रेस्क्यू किया है जो 3 महीने से सोमालिया के डाकुओं के कब्जे में था. और मजे की बात यह है कि जितने लोग उन्होंने रेस्क्यू किए हैं जितने ममालिक के वो लोग थे ममालिक के मिनिस्टर इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे, इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन पर इस वक्त राज कर रही है. कोई भी मसला आता है इंडियन ओशन में तो सबसे पहले मदद को पहुंचती है. देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा इंडिया की नेवी राज कर रही है, इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है. वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें. और जैसे आपने बात की सोमाली पायरेट्स तो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था सोमाली पायरेट्स से बचाया था जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था. उसके बाद आप ये देख लें मतलब कि जो भी है जिस तरह से इंडियन मार्कोस कुछ भी मसला हो जाए दरिया के अंदर समंदर के अंदर आपको वहां पर इंडियन मार्कोस नजर आएंगे. क्यों? क्योंकि वो अपने बजट पर इतना ज्यादा हिस्सा लगा रहे हैं और लगा रहे हैं तो फिर वो नजर भी आता है कि यार उनकी जो नेवी है उनकी जो आर्मी है वो काम भी कर रही है. बरक्स देख लें हम भी लगाते हैं इतना ज्यादा हम भी लगाते हैं लेकिन हमारा वो नजर नहीं आता कि यार हमारी जो नेवी है वो कहां पर गई हुई है. देखिए पिछले दिनों भी हमने एक न्यूज सुनी है कि जी पाकिस्तान वाले इंडिया की मदद चाह रहे हैं, हमारे कुछ लोग जो फिशरमैन जो है वो गायब हुए. एक दर्जन के करीब जो थे हमारे मछेरे मिल नहीं रहे थे. 5 से 7 दिन हमारी नेवी ने हमारे उन दर्जन के करीब मछेरों को ढूंढने की कोशिश की लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो सके तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को मनाया कि वो इंडिया से मदद लें, इंडियन नेवी से मदद लें कि वो हमारे लोगों को ढूंढ कर लाए. यार देखिए बिल्कुल ऐसा ही है. जो इंडियन इस वक्त चल रहे हैं ना इंडियन रिलीजन से कहीं ऊपर निकल गए हैं, वो ह्यूमैनिटी का सोच रहे हैं. उन्हें पता है कि यार अगर किसी की मदद हो जाएगी तो उससे हमारा कुछ बुरा नहीं होने वाला. देखें और हेड्स ऑफ टू इंडियन नेवी और मार्कोस को जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की पहले भी मदद की और आई थिंक सो अगर अब हम मदद मांगेंगे तो अब भी करेंगे. चलिए आपने जैसे बात की थी अभी पायरेट से बचाया है तो देखें इंडिया की आप इस वक्त नेवी को देख सकते हैं वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं. वो उनके कोई भी आप उठा के देख लें ऑपरेशन जिस ऑपरेशन में भी हैं वो आपको टॉप ऑफ द लेवल नजर आएंगे. बरक्स दूसरे जो है बाकी पाकिस्तान की भी हमने हमेशा सुना है कि नंबर वन आर्मी है, नो डाउट है, लेकिन हम उस तरह से काम अब नहीं कर पा रहे. पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है. ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया वैसे ही भाई इस वक्त हर फील्ड में बहुत ज्यादा ऊपर निकल चुका है. लेकिन हम आज ये देखें ना हमने इंडिया की जानिब से हमेशा एक चीज देखने को मिली है कि वो लोग जो है ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखते हैं. वो ये नहीं देखते कि अगले बंदे का किस मजहब से ताल्लुक है. वो कहते हैं कि इंसानियत को फरोग दें. अभी आपको पता होगा कि UN में जो है इस्लामोफोबिया के हवाले से एक रेजोल्यूशन पर जो है वो मीटिंग जारी थी. इंडिया ने उस पर वोट नहीं किया. इंडिया ने कहा कि इस्लामोफोबिया के अलावा और भी बहुत सारे मजाहिब हैं, हिंदू हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, उनके खिलाफ भी प्रोपोगंडा होते हैं, उनको भी महफूज करने की जरूरत है.
बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जाहिर सी बात है, आपको रिलीजन फोबिया पे काम करना चाहिए। देखिए हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोई इस्लाम पे बात ना करे, हम ये भी चाहते हैं कोई हिंदुज्म पे भी बात ना करे, क्रिश्चियनिटी पे भी बात ना करे। अब एज अ ह्यूमन होकर सोचो, जो जितने भी लोग हैं सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए, नो मैटर वो मुस्लिम है, नो मैटर वो क्रिश्चियन है, जो भी है। तो यार इंडिया के ये बहुत जबरदस्त स्टेप है। देखें जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप रिलीजन फोबिया पे काम करें बनिस्बत इसके कि इस्लामोफोबिया पे। दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भारत के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में तारीफ करी है। लेकिन एक और चीज देखिए कि जब से इसराइल और फिलिस्तीन का वॉर शुरू हुआ है, तो ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था इंडियन नेवी जो है वो किस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय हुई थी, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो जब जो इसराइल और फिलिस्तीन का जब वॉर शुरू हुआ था, तो उस वॉर को जब आगे ये बढ़ता चला गया, तो जो हूती रिबेल्स हैं, जो यमनी हूती रिबेल्स हैं, उन्होंने एक नया प्लान बनाया। आप जानते हैं कि उसको ईरान बैक करता है, और ईरान के कहने पे जो भी रेड सी के साइड से जो भी शिप गुजरती थी उनको उन्होंने अटैक करना शुरू किया। अब उनको काउंटर करने के लिए यूएस ने एक ग्रुप बनाया गार्डियन, और वो ग्रुप लेकिन फेल हो गया। बाद में जो इंडिया है उन्होंने अपने शिप को भेजना शुरू किया, उसी में से जो INS कोलकाता है, जो कल जो किडनैपर थे उनको किडनैपरों से बचाया था बुल्गेरियन सिटीजन्स को, तो वो डिप्लॉय हुई। और धीरे धीरे जो हमारी नेवी है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गई इस एरिया में। अब कंडीशन ऐसी है कि अब कोई भी स्ट्रेस कॉल आता है इंडियन ओशन के अंदर से तो हमारी नेवी पहुंच जाती है। और ये जो है वो एक तरीके से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है, क्योंकि जो दूसरे देश है एक तरीके से ये देखना शुरू कर दिए हैं कि इंडियन ओशन के अंदर कुछ भी होगा तो जो भारतीय नेवी है वो वहां पहुंच जाएगी उनके प्रोटेक्शन में। और ये एक सिग्नल भेज रही है कि जैसे कि अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन इंटेलेक्चुअल थे, वो ये बात कर रहे थे कि एक चाइनीज जो नेवी है वो बहुत बड़ी है, और लेकिन अगर काम की बात की जाए तो वो कुछ नहीं कर रही है, कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। लेकिन उसके बदले जो इंडियन नेवी है वो किस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर जितने भी देश हैं उनको कभी पायरेट्स से बचा रही है, तो कभी जो हुती रिवेल से उनके रॉकेट से बचा रही है, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।